हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर जो अपनी पेपर फर्स्ट है लीनियर एल्जेब्रा एंड रिंग थ्योरी, तो उससे उसकी फोर्थ यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं एनिहिलेटर यानी कि शून्यकारी। तो सदिश समष्टि के लिए शून्यकारी क्या होता है स्टूडेंट, देखो तो आज का अपना टॉपिक है शून्यकारी या एनिहिलेटर। क्या होता है स्टूडेंट एनिहिलेटर? तो देखो सीधी सी जनरल परिभाषा में मैं बता देता हूँ, सीधे सीधे शब्दों में। जैसे कोई अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो या समाकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसके लिए हमने एक अस्टी परिभाषित की थी कि फंक्शन के लिए अस्टी क्या होती है। फंक्शन के लिए अस्टी वही होती है जिसपे सब के सब जिन अवयवों के प्रतिबिंब अपने पास तत्समक अवयव यानी कि VDS का जीरो अवयव शून्य सदिश प्राप्त हो जाए, वो अवयव जिस समुच्चय में होंगे वो अपने अस्टी कहलाएगी। यहाँ पे सदिश समष्टि से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित होते हैं उनका एक सेट्स होता है होम वी टू वी डेस, या हम कह सकते हैं द्वितीय समष्टि में वी स्टार, जहाँ पे रेखिक फलनक होते हैं। तो रेखिक फलनक से जो अस्टि बनेगी वही अपने पास क्या होगी यहाँ पे शून्यकारी कहलाएगी यानी एनिहिलेटर कहलाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाती है, देखो यदि W सदिश समष्टि VF का उपसमुच्चय, यहाँ स्टूडेंट उपसमष्टि होना जरूरी नहीं है, केवल उपसमुच्चय होना चाहिए, केवल अवयव होने चाहिए अपने पास। तो मैं यहां लिख देता हूं उपसमष्टि आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। उपसमष्टि है तो भी वो उपसमुच्चय है, और उपसमष्टि नहीं है तो भी उपसमुच्चय होना चाहिए अपने पास, सबसेट होना चाहिए है, तो रैखिक फलनक F किस में होगा स्टूडेंट? द्वितीय समष्टि के अंदर। रैखिक फलनक होते हैं वो द्वितीय समष्टि के अंदर होते हैं ये स्टूडेंट, ये अपने को पता है। जो अपने पास का समुच्चय, जो जो रैखिक फलनक आएंगे V स्टार के का समुच्चय W का शून्यकारी यानी एनिहिलेटर कहलाता है। यदि क्या कंडीशन हो कि F अल्फा का आंसर हमेशा जीरो यानी कि शून्य सदिश प्राप्त हो आपके पास, जहां पे प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू W। अब ये जीरो इस W में हो या जरूरी नहीं, लेकिन V में होना जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि शून्य सदिश होता है, इसे एनिहिलेटर ऑफ W या W एनिहिलेटर यानी कि जीरो द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहां पे देखो, अर्थात एनिहिलेटर ऑफ W क्या हो जाएगा यहां पे समुच्चय F बिलोंग्स टू, यहां पे F बिलोंग्स टू V स्टार, जहां पे अपने पास F अल्फा का आंसर क्या होना चाहिए जीरो, जहां प्रत्येक अल्फा किसका भी होगा W। तो इस प्रकार से अपने पास होगा तो ये एनिहिलेटर यानी कि W का शून्यकारी कहलाता है स्टूडेंट। तो ये अपने पास बात हो गई कि ये इसमें आएंगे अब सारे के सारे अवयव। तो हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट देखो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इसके, जो हमें कई बार यूज लेते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रिजल्ट या परिणाम। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है अपने पास कि जो W यदि शून्य समष्टि है
डब्ल्यू यदि शून्य समष्टि है तो अभी ये क्या होगी सदिश समष्टि की तो उपसमुच्चय होगा ही, सदिश समष्टि का उपसमुच्चय होगा तो इसका मतलब एनिहिलेटर में केवल एक जीरो ही आंसर होगा, जहाँ से द्वितीय समष्टि बन सकती है, ये स्वयं द्वितीय समष्टि बन जाएगा। फिर अपने पास यदि W बराबर सदिश समष्टि V बराबर है तो इसका मतलब V स्टार सब सेट ऑफ द्वितीय समष्टि का, इस अकॉर्डिंग ये अपने पास हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये अपना सेकंड रिजल्ट होता है। फिर यदि W1 W2 इस प्रकार से अपने पास दो उपसमुच्चय हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनके एनिहिलेटर होंगे W2 सबसेट ऑफ एनिहिलेटर W1। इस प्रकार से होगा, जस्ट अपोजिट होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। ये तीन अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रिजल्ट होते हैं शून्यकारी के, यानी एनिहिलेटर के। अब बात करते हैं स्टूडेंट इससे रिलेटेड अपने को थ्योरम्स किस प्रकार से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो देखो थ्योरम्स की बात करते हैं स्टूडेंट, देखो यहां पे यदि W सदिश समष्टि VF की कोई उपसमष्टि हो तो एनिहिलेटर W V स्टार की उपसमष्टि होती है। तो ये अपने को प्रूव करना है, यदि यहां पे W है वो सदिश समष्टि VF की क्या है, एक उपसमष्टि है, तो यहां एनिहिलेटर ऑफ W यानी कि शून्यकारी होगी W की, वो V स्टार यानी द्वितीय समष्टि की भी एक उपसमष्टि होगी। स्टूडेंट हमें पता है कि उपसमष्टि होने के लिए कौन सी कंडीशन अलाउ होती है, यदि मेरे पास दो वेक्टर अल्फा और बीटा W के अवयव हैं, A और B दो स्केलर क्वांटिटी है, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, तो यह W होगा वो वी एफ की क्या होती है, उपसमष्टि हो जाती है। यह कंडीशन हमें W ए W के लिए V स्टार के लिए बतानी होगी। अब हमें पता है यहाँ पे रैखिक फलनकों की बात होती है वेक्टर की जगह, वेक्टर यहाँ पे सिर्फ अवयव के तौर पे काम में लिए जाते हैं, तो देखो उसके लिए इसको किस प्रकार से प्रूव करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक शून्य रैखिक फलनक तो अवश्य होता है, शून्य रैखिक फलनक जो अल्फा इक्वल टू आंसर क्या लाता है, जीरो लाता है प्रत्येक अल्फा डब्लू के लिए स्टूडेंट, जहां शून्य फलनक है या शून्य प्रतिचित्रण है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया, इसलिए एनी लेटर डब्लू नॉट इक्वल टू फाइव, तो इसके अंदर इसमें अवयव माने जा सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट मैं मान लेता हूं तथा दिया है W VF की एक उपसमष्टि है, उपसमष्टि है तो W VF का एक उपसमुच्चय भी है। तो फर्स्ट कंडीशन शून्यकारी की,
हो जाती है स्टूडेंट, ये समुच्चय बी है। तो इसका मतलब, इसलिए प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, तो वो अल्फा किस में आएगा, वी के अंदर आएगा। तो यानी कि सारे के सारे अवयव वी के अकॉर्डिंग भी होंगे। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं, तथा माना एफ वन और एफ टू बिलोंग्स टू ए डब्लू, जहाँ एफ वन अल्फा इक्वल टू जीरो और एफ टू अल्फा इक्वल टू जीरो। क्योंकि एनी लेटर ऑफ डब्लू के अंदर जो भी अवयव रैखिक फलन आते हैं उनका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और वो प्रत्येक अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू के लिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को देखो क्या प्रूव करते हैं, कि नहीं ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ के लिए। अब हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट, ए एफ वन प्लस बी एफ टू, यहाँ अल्फा और बीटा की जगह होंगे, मैं किसी अल्फा के लिए करता हूँ, तो ये हो जाएंगे ए एफ वन अल्फा प्लस बी एफ टू अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग ए एफ वन अल्फा प्लस बी डॉट एफ टू अल्फा। तो स्टूडेंट इनके आंसर क्या हो जाएंगे, ए डॉट ज़ीरो बी डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया ए एफ वन प्लस बी एफ टू अल्फा अकॉर्डिंग टू ज़ीरो। तो यानी कि ये किस में आ गया, ए एफ वन प्लस बी एफ टू बिलोंग्स टू ए डब्ल्यू। तो इस प्रकार हमने क्या प्रदर्शित कर दिया स्टूडेंट, देखो इस प्रकार एफ वन और एफ टू बिलोंग्स टू ए डब्ल्यू, तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए एफ वन प्लस बी एफ टू बिलोंग्स टू ए डब्ल्यू। तो इसका मतलब आता है ए डब्ल्यू वी स्टार की एक उपसमष्टि है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम इसे प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, कि एक उपसमष्टि किस प्रकार है। तो ये हमने एक सिद्ध किया कि ये यदि एनी लेटर डब्लू है तो वो वी स्टार जो अपने पास द्वैती समष्टि होती है उसका क्या होता है, एक उपसमष्टि होती है, द्वैती समष्टि की एक उपसमष्टि होती है। बहुत ही सिंपल थ्योरम है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो इसके साथ ही अपन देखो अब इससे आगे की जो नेक्स्ट थ्योरम है उपसमष्टि जो अपने एनी लेटर और डब्लू उसकी विमा ज्ञात करते हैं, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, थैंक यू।